फुर्सत नहीं है इधर उधर जाने लोगों को कुछ जाने से। क्या काम कर रहे? कपड़े नहीं धोने कभी, कुछ नहीं करना, कहीं नहीं लगानी। तुमको ना अपने कपड़ों की होश, ना अपने बर्तनों की होश, शुरू से दुनिया के घर की होश खो भाई तुमको। कहीं चले जाओ, मेरे पास इतना विश्वास नहीं है मेरे बच्चे अब हमको करेंगे। तो सुनील जी को जानता है तू? अरे बोलूंगा चिढ़ जाएगा। जानता है? नहीं जानता। क्या सोचता है उनके बारे में? अरे हड़िया भाग यहां से, खाना खाने दे। इसे लेके आ गई, खाना खाने दे मुझे चुपचाप। तू राजी था? नहीं रहा, भाग यहां से, चल चल भाग यहां से। इसे लेके आ गई, भाग जा, चल। बाल तेरी जवाब पूछ रही है सदम है नहीं। इतना तो हमने नहीं बोला हमें शादी करनी है। तू राजी था या नहीं? हाँ, भाग यहाँ से, खाना खाने दे चुपचाप। आप क्या कहते हैं? बोल। पूछ रहे कुछ? बोल क्या कहना है तेरा? तुझे रिश्ता पसंद था या नहीं था? बोल। जवाब था? आपको क्या लगता था पापा, ये सही था रिश्ता? क्या कौन? सुनील जी और मेरा ठीक होता अगर होता तो? क्या रिश्ता अगर सही था अगर होता तो? गलत था। क्यों? तुमका क्या जवाब इसमें? जो मैं बोलता हूँ एक बार वही होगा। गलत क्यों था? गलत बेटे, उनके साथ हमारी नहीं बन सकती है। अगर मैं कहती पापा नहीं मुझे करनी है इन्हीं से, तब क्या? अगर मैं कहती कि मुझे इन्हीं से शादी करनी है तब? बोला नहीं क्या? मैंने मना कर दिया, बिल्कुल रिफ्यूजल दे दिया। अगर मैं नहीं मानती? मानती तो मेरे को क्या बता रहे हो नहीं मानती करके? खुद अपना दिमाग होना चाहिए बच्चे को, आजकल इसीलिए पढ़ा रखा है माँ बाप ने, बच्चा माँ बाप से दूर जाए, माँ बाप के बस में ना हो बच्चा। क्या करना है ऐसी औलाद से?
तो आपको लगा सबको बता के गलत किया। गलत तो गलत होता है बेटे। लेकिन पापा जब मैंने आपको बताया उसके बाद आपने कभी ये नहीं। तू एक ही बार लाठी लेके मत बैठा कर, मुझे पसंद नहीं है, मैं सुनने भी नहीं जाती। उसको उनके माँ बाप आए यहाँ। जब मैंने आपको बता भी दिया उसके बाद कभी आपने और लड़के मर गए यहाँ मुझसे नहीं पूछा कि मैंने क्यों हाँ बोला था या क्या सोच के, आपको क्या लगा कि बचपने में हाँ बोला या ऐसे हाँ बोल दिया। बेटे ये सब बेकार की बातें हैं, मेरे को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। मेरे भाई बहन मेरे रिश्तेदार कल को क्या कहते हैं समाज में, मेरे में गिरता नहीं गिरता, बेकार के झंझटों में पड़े हो तुम। बताइए क्या सोचा है आपने? आप क्या सोच रहे हैं? क्यों क्या सोचा? शादी करने का सोचा है, क्या सोचा है? मेरे से कैसे होगी? और आपके घर वाले वो कैसे मानेंगे? क्योंकि मैंने ये मौका दिया था उन्हें, अगर मिल जाता तो ठीक है, ना हुआ तो फिर क्या? कोई रोक नहीं सकता। क्यों? फिर कौन मना करेगा? फिर से कंडीशन लगा दी तो बार पूर्ण मानकर से नीचे मत फिर क्या फर्क पड़ता है? लोग सही कहते हैं, मैंने 10+ से ही मर जाऊंगी। क्यों? घर में रही तो यार जिस फैमिली में हम रहते हैं हमने जन्म लिया बचपन से वहां है, जब हम लोग उन लोगों को नहीं समझ पाए तो किसी नई फैमिली को क्या समझेंगे? एडजस्ट कर पाएंगे? मैं नहीं कर पाऊँगी यार, पता है 3-4 दिन से मैं इसी टेंशन में हूँ। लाइफ का कोई एम ही नहीं, चले जा रहे हैं बस। वो दिन तो ही कही थी ना, उस समय हम 12 साल के थे और आज 22 साल के हो गए। 12 से 22 साल का सफर हमने ऐसे थोड़ी ना तय कर लिया होगा। नहीं फिर भी यार कुछ नज़र नहीं आता कि हमने कुछ पाया या नहीं पाया, कुछ खोया नहीं खोया, समझ नहीं आता कभी अगर ज़िंदगी के बारे में सोचने बैठो तो। तब भी हम यही सोचते थे, आज भी यही सोचते, तो क्या डिफरेंट क्या है? बस एज गैप हो गया। टाइम 12 के थे आज 22 के हो गए, बस यही। अंतर है 10 साल में बहुत कुछ पाया होगा, खोया है तो पाया क्या? तो बस कैमरा लेके बैठी है, लेकिन मैं क्या सोचेगा भी?
तो मैं कैमरे तक पहुंच गई तो मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। ठीक है, फिर भी तुझमें इतना कॉन्फिडेंस है। लेकिन आज भी मैं वहीं हूँ, कल भी अगर मम्मी ने कुछ बोल दिया था नहीं तो नहीं, और आज भी वही सिचुएशन नहीं तो नहीं। मन मार के ये चाहे कैसे भी गुस्से से, लेकिन वो काम तो नहीं करती ना, वो तो फिर क्या चेंज है। आप अपने बच्चे से कितना प्यार करते हो? हैं? कितना प्यार करते हैं आप अपने बच्चे से? हम बच्चे से तो प्यार होता ही है, तो बच्चे से ज़्यादा प्यार करके बाकी क्या है था? हैं? बच्चे से बढ़कर बाकी और क्या है? हुँ? अपने बच्चे के स्वभाव को कितना जानते हैं आप? अब स्वभाव तो बात ही नहीं करता, मतलब है कि बस जो बात पूछेंगे हम उसी का जवाब देगा, देगा तो नहीं तो मतलब तो यार कुछ बोले भी नहीं आपको पता है। आपके बच्चे मुझे चाहते थे, मुझे इस बारे में आपको आंटी ने कुछ नहीं बताया? ना ना ना, मैं मेरे को कोई पता नहीं, कोई जानकारी नहीं है। अगर होती तो आप क्या करते? करना क्या था, मतलब करना मतलब यही मतलब है कि हम तो मतलब ना ना इसमें ये तो मतलब ऐसी जो अगर वैसा होता तो मतलब हम मतलब बच्चा तो मतलब बच्चा ही रहा, लेकिन मतलब मैं तो ये मतलब मैं इस बात का तो बिल्कुल खिलाफ हूँ। मतलब ये है कि ठीक है, मतलब ये है कि वो है पड़ोस के नाते, मतलब ये है कि वो उठना बैठना है, ये वो है तो चीज़ अलग है, वो होता ही है, उठना बैठना पड़ोस में होता ही है, लेकिन मतलब ये है कि ये इतना गहराई में मतलब ये है कि ये ठीक वो ठीक नहीं होता। क्योंकि एक तो आपका बच्चा जिससे आप बहुत प्यार करते हैं ना, और जो 17 साल की उम्र से सिर्फ आप लोगों की खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपनी खुशी नहीं चाह रहे, तो यहाँ पे आप लोग समाज को पहले महत्व देते हैं या बच्चे की खुशी को? ये पहले मतलब कुछ हमारे को नमा बाढ़ डाल दी ये तो हम पहले समझा दे। नहीं, अगर वो बता देते तो आप लोग समझाते, लेकिन अगर वो नहीं मानते तब क्या करें? नहीं मान दो तो अपनी मर्जी कर दो, ये नहीं तो मुझे फिर अपन मन मर्जी कर दो। ऐसे नहीं, वो बहुत समझदार है, वो अपनी मन मर्जी कर दो, पर वह तो बुरी में करना तो वह इनमें अगर भी बात नहीं कर। नहीं, मेरे बारे में मेरा मतलब है कि ये लड़की ठीक है या गलत है,
गलत क्या था कि उसे चुना मन गलत है गलत तो वही था ना क्या हम क्या हुआ ना मन के गलत ही था अगर वो आपको बता देते सब कुछ तो क्या आप मेरे लिए राजी हो जाते क्या मैं आपकी पसंद होती अरे पसंद तो ये है ना कि तो अब हमारी बराबर पर हम तो पसंद हो कौन किसे हम था पर इनसे कि हमारे रीति रिवाज नहीं तो मतलब ये तो था अब आप रिश्तेदार सन हमारे रिश्तेदार इंसान के मतलब जो कम जात में रहें वो पकाई नहीं खाद हूँ तो मतलब दिल से उबनी आन दें अत पर बात हो हम फिर पे जान लेकिन अब तो उन्होंने मन मार के आप लोगों की खुशी के लिए हाँ कर दी अब शादी भी है कुछ दिनों बाद अब तो आपको दुख नहीं होना चाहिए तुझे पता है मैं पिक्चर किस चीज़ के ऊपर बना रही हूँ तुझे पता है मैं पिक्चर किस चीज़ के ऊपर बना रही हूँ भैया ने कुछ नहीं बताया भैया ने ये नहीं बताया कि ये पिक्चर उन्हीं के ऊपर बन रही है ऐसे इंसान बहुत कम देखे मैंने अपने भाई जैसे शायद कोई होगा भी नहीं दुनिया में क्यों क्यों तो इतने गुपचुप रहने वाले इंसान किसी को भी कुछ बताया नहीं ऐसा भी चाहते कि काम भी सही हो जाए अच्छा बोलना भी कुछ नहीं होगा कैसे बचा कुछ बोलेंगे नहीं तो मुझे नहीं लगता तो फिर जाती है हम लोगों पर बड़े लोगों की हम पर समाज की थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से जी नहीं पाते हम लोगों की वजह से क्या सपना है अब तेरा अभी तो घर के काम में ऐसे मिल रही हूँ अपने बारे में कुछ सोचने का टाइम नहीं मिलता फिर भी बी एड करूँ टीचर बनूँ बच्चों को पढ़ाऊँ बहुत अच्छा लगता है इसे बात होती है उनसे होती
क्या कहते कुछ पहाड़ कहीं नहीं सकूँ तो जनकार है पहाड़ देखियो नहीं ना तभी न जन्म किस्मत अच्छा हाल का अच्छी करूँ नहीं करूँ नहीं तो सोचने का टाइम में नहीं था ना वो हो गया बस ना करो दोस्तों मेरे दिमाग में ये नहीं है कि एकदम से आज ही एकदम से कैसे हो गया कि अब उनके बारे में तो अभी कुछ जानते ही नहीं है हाँ जाना भी कहाँ पर इन्होंने वैसे ही बताया बस ये ताऊ जी है ना इन्होंने बताया था हमें क्या पर उनके बारे में कोई खबर भी नहीं थी नहीं पता था तो मन में एक बार ये नहीं आया कि जानना चाहिए पहले क्यों नहीं आया तो हाँ उस दिन हाँ क्यों बोल दी बस बोल दिया मैंने बोला था लेकिन करती ना घर वालों ने यानी आपका मन था कि उस दिन ना हो पहले जान लें नहीं मैंने ये बोला मुझे एक हफ्ते का टाइम अच्छा उनसे किन से बोला था घर वालों से ताऊ जी से पापा से फिर इन लोगों ने बोला कि नहीं वो हो जाएगा क्या खर्चा हो जाएगा ये सोचते थे मैंने कहा चलो ठीक है जो आपकी इच्छा जो जिसमें आप खुश हो बस क्या बोलते चिढ़ते रहते जरा कुछ बोलो मैं ऐसे बोलो ना कपड़े बना दो नहीं बनाए ये किया नहीं किया वो नहीं बनाया मैंने क्या बोलती रहती कमज़ोर देखा क्या देखे तो मैं तो अच्छी तरह देखे हैं जानती हूँ उन्हें अच्छी तरह वहाँ मिलते हो और घर आस पास ही थे हमारे अच्छा वहीं मैं तो उन्हें हफ्ते नहीं चार साल पहले से जान अच्छा फूल को बहा
चमन दा कदा बदन कबन तुम्हें दुना जिग अपने मतलिगा आशा समझ पे दुलाब कभी आए ओ बात बन जाए जैसे आपका नेम अनुराग है, आप अनुराग लिखते हो ए एन यू आर ए जी, ऐसे 77 का जो नेम है वो लिखना है आपको, एस ई वी ई एन टी वाई होता है ना, तो ऐसे 77 का नेम लिखो यहाँ पे, ठीक है? उसे क्या बोलते हैं, नंबर नेम है ना। बात हो गई यार, तो उसका कारण नहीं बताया तो कि सपने हमारे ये हैं। सबसे बड़ा तो वो ही था ना मेरा। क्या क्या था तेरा सपना? बड़ा सबसे बड़ा कौन था? वो बड़ा यही तो मैं इतने समय से कोशिश करूं, पता नहीं हमेशा डरी डरी वो ही यार, कुछ तो सही होना चाहिए। क्या हम नहीं चाहते चेंज हो हमारी लाइफ, या हम कुछ अलग ढंग से जिए, कुछ नया करें? जैसे जैसे मेरा था कि मैं सिंगिंग करूं, जब टाइम था तो मेरे पापा ने करवाया नहीं, है ना, और अब जब टाइम निकल गया तो मेरे पास टाइम नहीं उस चीज़ को करने के लिए, उस सपने को फुलफ़िल करने के लिए, तब मेरे पे प्रेशर आ रहा है या तब मेरे को कहा जा रहा है कि आपको ये करना चाहिए था, आपने करा क्यों नहीं। तो उस समय कैसा लगा था? लगना क्या था, बुरा ही लगेगा। तब कह रहे हैं कि आपको ऑडिशंस में जाना चाहिए या फिर देखना चाहिए, आप ट्राई करो। क्या ट्राई करो, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, सिर्फ मुझे मुंह खोलना आता है, गाना आता है, तो ये इनफ है क्या? आप उस टाइम पे मुझे ट्रेनिंग दिला सकते थे या कुछ भी कर सकते थे। नेम फेम तो हर कोई चाहता है,
पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके बच्चों का नेम फेम हो, लेकिन उसके लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा उससे पीछे हटते रहते हैं। जब तक आप आगे नहीं आओगे तो बच्चा कैसे जाएगा आगे। मतलब अब ये है कि अभी बीएड कर लिया है, अभी शादी से पहले तो जो कुछ होगा मम्मी पापा की मर्जी से होगा, लेकिन इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी ऐसी हो जो मुझे समझे या जिसे जिसे मैं चाहती हूँ बस, क्योंकि मेरे जितने सपने मैं चाहती हूँ मैं शादी के बाद ही पूरे करूँ, अपने ऊपर लेकर उन सबको, किसी के ऊपर लेके नहीं। है कोई जिसे पसंद करते हो? अभी तक तो कोई नहीं। लेकिन जो भी मिले चाहे वो मम्मी पापा की मर्जी से हो चाहे वो मेरी मर्जी से हो, तो इतना हो कि वो मुझे समझे। एक बार अपनी लाइफ जीने का मौका दे। वहाँ भी उलझ के रह गई तो? तभी तो कह रही हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो शायद पागल भी हो सकती हूँ। क्यों आप हमेशा दूसरे पर डिपेंड होकर सपने पूरे करना चाहते हो? पहले आप पेरेंट्स पे डिपेंड हो और फिर शादी हो जाए फिर हस्बैंड पे, अगर वहाँ भी सब ऐसे तो क्यों? तो ये तो लाइफ है। शादी से पहले मैं आज तक भी अपनी फ्रीडम जिंदगी होती है ना, जिस तरीके से बंदा लड़कियाँ जीती हैं उस तरीके से मैं आज तक नहीं जी, फ्री जिसे बोलते हैं, बिल्कुल नहीं जी पाई। कहीं ना तो मैं अकेली कहीं गई, शायद मेरे पेरेंट्स की मिस्टेक है, उन्होंने मुझे कभी अकेले भेजा ही नहीं, और यही बात है कि मैं आज तक भी अकेले जाने से डरती हूँ। कहीं भी मैं कहीं जाती भी हूँ ना, अंधेरा सा हो जाता तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाहर हूँ, मुझे जाना चाहिए, अब घर जाना चाहिए किसी भी तरीके से। अजीब सा डर लगा रहा था कि मम्मी बुला रही है मुझे चारों साइड से, आवाज़ें गूंजती थी स्कूल में भी, मुझे ऐसे ही लगता था कि मम्मी बुला रही है मुझे। और अब ये कंडीशन हो गई है कि वो मुझे कहीं जाने नहीं देती थी और अब मैं कहीं जाना नहीं चाहती अकेले। अगर मैं अपने घर से थोड़ी दूर बाजार मार्केट कहीं भी जाती हूँ तो भी मैं सोचती हूँ मेरे साथ कोई हो, अकेले जा ही नहीं सकती मैं कहीं भी। इधर भी देख लो, उधर देखो। सदा स्वागत हो। देखो ऐसे तुम्हारे भैया नहीं ऐसे लगा।
इसे बाकी तो लग रहा है कि जैसे सब कुछ मिल गया, अब किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। क्या सोचती है इसके बारे में? इसके बारे में सोचती हूँ, इसको ऐसा बनाऊंगी मैं, ऐसा बनाऊंगी इसके दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं डालूंगी। सबसे पहले तो एक इसको मैं गुस्सेबाज नहीं बनाऊंगी, बिल्कुल नहीं। है ना बच्चे? एक इसको ऐसा बनाऊंगी, किसी को ऐसी बातें बोले, ऐसा सबके साथ इस तरीके से बिहेव करे कि किसी को हर्ट फील ना हो। मैंने ये सब झेला है। है ना बच्चे? और मेरे को पता है कि जब कोई ऐसी बातें बोलता है तो कितना मुश्किल होता है सहना। अपने जैसे भी नहीं बनाऊंगी, तेज भी हो गई, अपने जैसे नहीं हो, सीधा साधा नहीं हो गई, सबका मुकाबला भी कर सकी। कैसे देख रहे? ससुराल में आके कभी किसी ने कुछ कहा या डांटा तो कैसा लगता था? पहले पहले तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, फिर डांट कभी देखी सुनी नहीं थी, बस प्यार देखा था। पहले हमारे भले के लिए डांटते थे, लेकिन डांट तो डांट होती, बहुत बुरा लगता था, रोने लगती थी थोड़ी सी बात पे। धीरे धीरे सब तब आदत हो गई, अब नहीं लगता जाने। तो रोते समय क्या याद आता था, क्या सोचती थी? सबसे पहले तो मम्मी की याद आती थी, मैं उस टाइम पे कपड़े धोती थी, जब मेरी सास डॉक्टर के पास गई थी बात बात करने के लिए, ये आए थे और मुझे ले गए। सब ने कहा कि दो लड़कियां हो जाएंगी अगर लड़की हुई तो चेक कराओ। तो चेक कराने के लिए चलो सब ने कहा, तो हमने कहा चलो चेक कराने में कोई परेशानी नहीं, करवा लेते हैं। पता नहीं मैं क्यों मना नहीं कर पाई, कि मैं ही मना कर देती कि नहीं मुझे नहीं करवानी। मैंने कुछ नहीं कहा था, और फिर जब सफाई हो गई थी तो हमें पता चल गया था कि लड़का है। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि लड़का था, मुझे इस बात का बहुत फ़र्क पड़ा था कि जो आना चाहिए था उसे हमने आने से पहले ही उसकी सांसें बंद कर दी थी। मुझे बहुत दुख हुआ था इस बात का, और मेरी सास को सिर्फ इस बात का दुख था कि वो पोता था। Thank you.
परिवार मिला है आपको, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ। शायद उस परिवार से भी अच्छा ये करते हैं मेरे लिए, लेकिन फिर भी उस परिवार को मैं मिस करती हूँ, अपनी ज़िंदगी की फ्रीडम को भी मिस करती हूँ। सबसे ज़्यादा अपनी खुद की जिंदगी, अपने आप खुद को सबसे ज्यादा मिस करती हूँ। कहीं दूसरों की खुशियों के बीच में खुद खो गई, पता ही नहीं चला कब खो गई। अपना कुछ अस्तित्व ही नहीं रहा, सिर्फ दूसरों की खुशियाँ, दूसरों की पसंद, इसी बीच में उलझ के रह गई। कल भी और आज भी, कल थोड़ा कम था, आज थोड़ा ज़्यादा है। आज वही एक प्रेशर बन गया। कल पहले वो प्रेशर नहीं था, मेरी खुद की इच्छा थी, लेकिन आज वही चीज़ प्रेशर बन गई है। और अब एक नई जिंदगी तो उससे जुड़ रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये मेरा अपना होगा, क्या सोचती है आने वाले के बारे में? वो सारी खुशियाँ देना जो हकर भी शायद मुझे ना मिले, जो वो चाहे वो मिले उसको। जब स्कूल में पढ़ते थे क्या सोचते थे आप? कुछ भी नहीं। कुछ तो सोचते होंगे।
सिर्फ पैसे कमाने की। क्यों? क्यों? पैसा ही सब कुछ। कुछ और बनने की नहीं सोचते थे? ऐसा भी वो पैसे कमाना है। और जब पैसा कमाया तो उसके बाद क्या सोचा? कहाँ कमाया, इतना ही कमाया कि कभी पूरा नहीं हुआ। तो आपने एक तरफा डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि मेरे पीछे काफी लोग थे। थे क्या हैं? सबको देख के चलना पड़ेगा। कौन थे? आगे पीछे बहुत सारे। तो पहले नहीं सोचा था? पहले से ज़्यादा अगर घर वाले राजी होते तो फिर तो किसी के बारे में सोचने की जरूरत ही क्या है। और लड़की की नहीं थी? या लड़की के आगे पीछे कोई नहीं होता? होता क्यों नहीं होता है? वो तो बात ही बात है ना, बात पहले थोड़ा सोचा था ऐसा कि यहाँ तक न बताएगी। तो जब आपने एक तरफा डिसीजन लिया आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया? ख्याल है, लेकिन जिन मम्मी पापा ने इतना बड़ा किया उनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। पहले तो वही है। ख्याल ये नहीं आया? नहीं जा सकते। नहीं, आपके मन में ये ख्याल नहीं है कि जब आप सोचो कि आपके आगे पीछे आपको सबको देखना है तो लड़की के भी तो आगे पीछे सब होते हैं। क्यों नहीं होते? किसके नहीं होते? क्या आपको तो पता था, आपके घर में भी पता था, आपकी मम्मी से भी बात हो चुकी थी। तो मुझे ये था कि वहां दिक्कत नहीं आ सकती। आपके घर में नहीं पता था क्या? बताइए। था लेकिन इतना क्लियर पता नहीं था। किसकी गलती थी? गलती मेरी थी और किसकी थी? अपने पास का कोई एक ऐसा पल जिसे आप दोबारा जीना चाहते हैं? जब कुछ भी पता नहीं था, जब बचपन था। एक लास्ट सवाल,
कि आज भी आप हमसे प्यार करते हैं? शादी के बाद ना मतलब यार अपनी लाइफ अलग हो जाती है। तो यानी तू भी मुझे भूल जाएगी? पागल है, तुझे कैसे भूल सकती हूँ? अपनी सारी प्रॉब्लम तो तुझे बताऊंगी ना कि अगर कोई प्रॉब्लम बाई चांस हो भी जाती है। क्या होनी नहीं चाहिए है, है पुष्पा? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, विश तो यही करो।